नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में, जैसा कि आपने स्क्रीन पर अपने ये मॉडल देख रहे हैं आप, इस मॉडल को हम बनाएंगे और ये मॉडल बनेगा क्रियो 5.0 पर, क्रियो पैरामेट्रिक 5.0 पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक एल्बो है, फ्लेंज्ड एल्बो है। ये पोर्शन जो यहाँ पर जो फिक्सिंग के लिए कॉलर बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं फ्लेंज। और बाकी ये पोर्शन तो आपको पता होगा और आपने अपने आसपास इसे अक्सर देखा होगा, ये एल्बो है। तो इसे आज हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्रियो पैरामेट्रिक 5.0 का। दोस्तों हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। मैंने फाइल को क्लोज किया, अब नई फाइल ओपन करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम क्रियो पैरामेट्रिक 5.0 के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये स्क्रीन आती है। यहाँ से हम न्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए ये लिस्ट आती है आपके पास मॉड्यूल की, क्योंकि हमें पार्ट मॉडलिंग करनी है और पार्ट पर ऑलरेडी देखिए यहाँ पर चेक मार्क है। इसके बाद हम यहाँ से इसे अनचेक करते हैं, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इसे अनचेक करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें पहले इसे एमएम में कन्वर्ट करना है। अगर हम इससे पहले वाली विंडो में एक पार्ट जो था यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट उसे अनचेक ना करते तो ये प्रॉम्प्ट नहीं आता हमारे सामने। यहाँ से हमने एमएमएनएस पार्ट सॉलिड पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक करता हूँ मैं। इसके बाद इसे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर प्लेन ऑफ कर रखे थे, इस तरीके से आपको ये प्लेन नजर आएंगे। अब इन्हीं प्लेन्स को हम यूज करेंगे मॉडल बनाने के लिए। तो दोस्तों आज जो है हम इसमें एक नई कमांड यूज करेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखी है क्रियो के मेरे ट्यूटोरियल्स में, वो है स्वीप कमांड। इसे कैसे यूज करते हैं आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले तो यहाँ पर ये स्केच कमांड है, स्केच पर मैंने क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद ये फ्रंट प्लेन है, मैंने इस फ्रंट प्लेन पर क्लिक किया और उसके बाद स्केच पर क्लिक कर दिया। तो ये अब इसके बाद मैं यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ये प्लेन जो है वो बिल्कुल पैरेलल मेरे सामने आ गया होकर। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो क्या करना है कि एक सर्कल बनाता हूँ मैं। मैंने सर्कल में देखिए सर्कल एंड पॉइंट ये कमांड को यूज किया। अब यहाँ पर पहला क्लिक होगा यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट के लिए, उसके बाद मैं कर्सर को देखिए बाहर की तरफ मूव कराता हूँ तो एक सर्कल बनता हुआ आपको दिखाई देता है। अब इसे जो है एक जगह पर मैं और क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल बनकर आपके सामने आ जाता है। इसके बाद मैंने एस्केप को दबाया तो देखिए इस सर्कल का डायमीटर भी आपको नजर आने लगा। अब क्या करते हैं कि इस डायमेंशन पर मैं डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे इसे चेंज करना है। जैसे डबल क्लिक किया देखिए ये मॉडिफाई हो सकता है। यहाँ से बैकस्पेस से मैंने ये हटाया इसे और यहाँ पर वैल्यू कितनी देनी है मुझे, डायमीटर है 200, मैंने 200 ये डायमीटर इसका रखा। इसे रखने के बाद यहाँ से ये जो क्वाड्रेंट है इसका ये सेक्टर जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ एक वर्टिकल लाइन बनाई, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक ऊपर। इसके बाद एस्केप की दबाया, एक बार फिर से एस्केप की दबाया, देखिए तो ये डायमेंशन आपको नजर आने लगी। तो इसे हमें करना है 75, देखिए मैंने 75 में से चेंज कर दिया। अब सेम यही तरीका फॉलो करते हुए नीचे वाले सेक्टर से हम ये राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कैसे किया मैंने, लाइन पर क्लिक किया, इसके बाद ये सेक्टर पर एक क्लिक किया और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसे। ये देखिए कहीं पर भी क्लिक कर दिया और एस्केप दबाया, एक बार फिर से एस्केप दबाया तो देखिए डायमेंशन आपको दिखाई देने लगे। इसे भी मैंने 75 टाइप करके ऐसे फिक्स कर दिया। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है सर्कल का, इसे हम ट्रिम कर देंगे। ये डिलीट सेगमेंट जो है वो ट्रिम का काम करता है। मैंने डिलीट सेगमेंट पर क्लिक किया, देखिए पावर ट्रिम जैसे होता है सॉलिड वर्क्स में, एज इट इज वैसा ही है ये। हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके भी उसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया, ये चला गया। अब ये हमारे सामने एक ट्रेजिक्ट्री है, ट्रेजिक्ट्री कहिए या पाथ कहिए, इस ट्रेजिक्ट्री को हम यूज करेंगे स्वीप कमांड के लिए। तो ये हमने पाथ एक पाथ कहिए या ट्रेजिक्ट्री कहिए हमने बना लिया और यहाँ से हम ओके करके बाहर निकलते हैं। अब देखिए इसको मैं अगर थोड़ा सा टिल्ट करके देखता हूँ तो ऐसे हमें नजर आती है ट्रेजिक्ट्री। अब हमें क्या करना है, एक सेक्शन बनाना है, सेक्शन भी क्लोज होना चाहिए। अगर सेक्शन क्लोज नहीं होगा तो सरफेस बनेगी, और वैसे तो क्रियो में तो आगे ही नहीं बढ़ेगा कमांड अगर हम जब तक सरफेस और सॉलिड के बीच में एक डिफरेंस होता है, इसमें दो आइकन बने होते हैं और एक आइकन उनमें से एक आइकन सॉलिड का होता है, एक आइकन जो है वो सरफेस का होता है, ऐसा क्रियो में होता है। और बाकी जगह तो ये होता है कि अगर आप क्या कहते हैं कि इसे जैसे ऑटो कैड में अगर हम लाइन को एक्सट्रूड करना चाहें तो वो हो सकती है, लेकिन वो सरफेस क्रिएट करेगी, वो सॉलिड नहीं। तो यहाँ पर हमने ये ट्रेजेक्ट्री बना ली। इसके बाद हम एक सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन बनाने के लिए हम सीधे यहाँ से स्वीप कमांड में जाते हैं। देखिए स्वीप में गए, यहाँ पर स्वीप पर क्लिक किया, ये ट्रेजेक्ट्री जो है अपने आप सेलेक्ट होगी।
अब हमें करना कुछ नहीं है कि अब हमें एक सेक्शन बनाना है। सेक्शन बनाने के लिए देखिए यहाँ पर ही आपको आइकन दिखाई दे रहा है, क्रिएट और एडिट स्वीप सेक्शन, मैंने इस पर क्लिक किया। देखिए ये दो लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट है हमारे लिए जहाँ पर हमें स्केच बनाना है, सेक्शन बनाना है। मैंने यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया, देखिए ये घूमकर हमारे सामने आ गया। तो यहाँ पर हमें जो है वो स्केच बनाना है। यहाँ से मैंने सर्कल पर क्लिक किया, सेंटर एंड पॉइंट, देखिए ये पॉइंट है हमारे लिए सेंटर का, मैंने यहाँ क्लिक किया। और थोड़ा सा बाहर ले जाकर एक क्लिक और करता हूँ, इसके बाद एस्केप की को दबाया मैंने, देखिए ये डायमेंशंस नजर आने लगी। इसको मैंने चेंज करके कितना करना है, इसे हटाया इसका 150, ये डायमीटर है 150 का मैंने ले लिया। यहाँ से ओके पर क्लिक किया, देखिए इसने क्या किया है कि ये ट्रेजिक्ट्री को, ये जो क्लोज सेक्शन हमने बनाया था, ये सर्कल बनाया था, इसने फॉलो कर दिया इसको और एक सॉलिड क्रिएट किया है यहाँ पर। अब जैसे ही हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, ये देखिए एक सॉलिड क्रिएट हो गया, ये हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है। अब इसे हमें हॉलो बनाना है, तो ये स्वीप कमांड है दोस्तों। स्वीप कमांड से आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रोफाइल पर कोई भी सेक्शन को फॉलो करा के एक सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं। सपोज जैसे पाइप होता है, पाइप भी हम इससे बना सकते हैं। ये एक तरह का पाइप का ही हिस्सा है, एल्बो कनेक्ट करने के लिए पाइप को। तो अब हम इसे हॉलो बनाएंगे। हॉलो बनाने के लिए हम कमांड यूज करते हैं शेल। शेल जो है ये देखिए, यहाँ मैंने शेल पर क्लिक किया। शेल पर क्लिक करने के बाद ये जो सरफेस है मुझे इसको सेलेक्ट करना है और इसे सेलेक्ट करना है, और थिकनेस मुझे कितनी देनी है मैं वो भी देख लेता हूँ। शेल जो है वो शेल की थिकनेस हमें देनी है 10। तो यहाँ पर जो थिकनेस की वैल्यू 4.8 दे रखी है, इसे हम 10 करके एंटर कर देंगे। रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए रिमूव्ड सरफेस के लिए यहाँ पर सेलेक्ट आइटम ये प्रॉम्प्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, देखिए ये सरफेस रिमूव हो गई यहाँ से। अब कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, मुझे ये सरफेस भी रिमूव करनी है, देखिए ये सरफेस भी रिमूव हो गई इस तरह से। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट सॉलिड से हॉलो में कन्वर्ट हो गया। बस अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं ना। तो ये बहुत ही यूजफुल कमांड है दोस्तों, शेल कमांड। लगभग हर एक सॉफ्टवेयर में ये इसी नाम से होती है। केटिया में भी शेल हो जाता है आपका, एनएक्स में भी है और इन्वेंटर में भी है, इसके अलावा क्रियो में आप देख ही रहे हैं, तो लगभग सॉलिड वर्क्स में भी है। हर एक सॉफ्टवेयर में शेल कमांड का यूज हमें मिलता है, इसमें ऑटोकैड में भी ये यूज होती है शेल के ही नाम से। तो यहाँ पर हमें दोस्तों ये हमने पाइप बना लिया हॉलो स्वीप की मदद से। अब हम इस पे जो फ्लेंज बने हैं वो बनाएंगे, फ्लेंज बनेंगे एक्सट्रूड कमांड की मदद से। तो दोस्तों चलिए हम अब ये फ्लेंज बनाते हैं। तो मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया, एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद देखिए अब हमें प्लेन सेलेक्ट करना है। तो प्लेसमेंट पर क्लिक करने के बाद डिफाइन पर गए, डिफाइन पर क्लिक करने के बाद देखिए ये सरफेस है जिसे हम एज अ प्लेन लेंगे यहाँ पर। तो हमने इस सरफेस पर क्लिक किया और इसके बाद स्केच पर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया, तो देखिए घूमकर हमारे सामने। अब हम एक यहाँ से रेक्टेंगल कमांड का मैं यूज करूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल पर क्लिक किया। सेंटर रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद देखिए इसके सेंटर पर जो है हमको ये देखिए यहाँ पर सेंटर इसका मिल रहा है हमें। अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर रेफरेंस पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद देखिए मैंने इस एज पर क्लिक किया और उसके बाद इस एज पर क्लिक किया। ये देखिए ये यहाँ पर एक जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन बन जाती है, वैसे जो है यहाँ पर हमें ये दिखाई देने लगी कंस्ट्रक्शन लाइन। तो रेफरेंसेस जो है हम लोग एक्यूरेसी के लिए लेते हैं कि हमें कोई भी चीज सेलेक्ट करने में हमें दिक्कत ना हो। यहाँ से जब हम अब इसके बाद रेक्टेंगल कमांड पर जाएंगे, सेंटर रेक्टेंगल पर जाएंगे, तो देखिए ये हमको दिखाई देगा, ये इस सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से हमने देखिए रेक्टेंगल कमांड यूज किया, सेंटर से ये दोनों तरफ हमने ले लिया इसको। इसको हम करेंगे 180, ये 180 बाई 180 का हम एक स्क्वायर बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक करने के बाद हाँ इसे भी तो हमें हॉलो करना था, तो हम क्या करते हैं वापस जाते हैं। मैंने प्लेसमेंट पर क्लिक किया, एडिट पर क्लिक किया, तो देखिए हम फिर से उसी के अंदर आ गए। तो अब हमें करना क्या है कि हॉलो तो इसे भी दिखाना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रोजेक्ट पर क्लिक किया। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए जैसे सॉलिडवर्क्स में आपने कन्वर्ट एंटिटीज देखा, ये सेम वही कमांड है। मैंने इस एज पर क्लिक किया, देखिए ये यहाँ से हाफ सर्कल बन गया और उसके बाद इधर क्लिक किया तो ये फुल सर्कल बन गया। अब इसे जब मैंने क्लिक करके यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब इसके बाद जब ओके करूँगा तो देखिए ये शेप मुझे दिखाई देगी इस तरह से, ये हॉलो हो जाएगा।
तो इसकी थिकनेस जो होगी वो अब देख लेते हैं कितनी होनी चाहिए। ये हमने दे दी यहाँ से 30, ये थिकनेस हो गई हमारी 30। यहाँ से मैंने ओके बटन किया, ये देखिए इस तरह से फ्लेंच आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें करना क्या है कि हम ऐसा ही एक फ्लेंच जो है वो दूसरी तरफ भी बना लेते हैं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से एक्सट्रूड कमांड पर जाएंगे। देखिए हल्का सा घुमाया, इस बार इस सरफेस को हमने एज अ प्लेन ले लिया। इसके बाद यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया, देखिए इस तरह से घूम कर हमारे सामने ही आ गया। अब हमने क्या किया कि फिर से रेफरेंस, देखिए ये है रेफरेंस कमांड, यहाँ पर क्लिक किया और इस सर्कल को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन पूरी बनकर आ गई, जैसे सर्कल जो है वो आपको डैश लाइन में दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। यहाँ से इसके बाद क्लोज पर क्लिक किया, क्लोज पर क्लिक करने के बाद अब हमें सेम वही प्रोसीजर दोहराते हुए एक सेंटर रेक्टेंगल बनाना है। यहाँ से सेंटर ये लेंगे, देखिए बराबर हम ऐसे ऊपर लेकर गए इसे, और इसके बाद एस्केप दबाया, देखिए डायमेंशन इसकी विजिबल हो गई। इसके बाद यहाँ से 180 एंटर, फिर ये भी 180 एंटर। इसे करने के बाद अब हम फिर से जाएंगे प्रोजेक्ट पर और ये बीच वाले सर्कल पर, देखिए मैंने ये दोनों तरफ आकर सर्किल क्रिएट किया, क्लोज पर क्लिक किया और यहाँ से ओके। तो सेम वही शेप जो हमें पहले से बन के दिखाई दी थी वो आ गई हमारे सामने। यहाँ से थिकनेस हम इसकी ले लेते हैं 30, तो ये 30 mm की हमने थिकनेस ली। यहाँ से डैशबोर्ड पर ये ओके पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ये इस तरह से आपको ये नजर आने लगा। अब इसमें बाकी का जो काम बचा है हमें वो करना है। कुछ जगह पर हमें रेडियस देनी है और इसके बाद हमें कुछ होल बनाने हैं इसमें। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि पहले तो हम यहाँ से राउंड कमांड को यूज करेंगे। देखिए इस राउंड कमांड में क्या होगा कि हम ये एज पर पहले क्लिक करते हैं, देखिए राउंड आ गया। अब हमें इसकी रेडियस की वैल्यू देनी है 25 इस तरह से। ये देखिए मैंने इस एज पर क्लिक किया, ये भी 25 हो गई, ये भी ये गलत हो गया। फिर दोबारा इस पर क्लिक किया, चलिए मैं एक बार कमांड से बाहर निकल आता हूँ कैंसिल करके इसे, दोबारा से इसे करते हैं। राउंड पर क्लिक किया, वैल्यू यहाँ पे देखिए 25 पहले से ही आ गई क्योंकि पिछली बार हमने दी थी। एक क्लिक यहाँ किया, इसे घुमाया, फिर एक क्लिक इस एज पर किया, ध्यान रखिएगा एज पर क्लिक करना है हमें, यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद फिर से गए यहाँ, ये देखिए एज पर क्लिक किया, ये कॉर्नर जो है अब हमें राउंड करने हैं एक एक करके। ये कॉर्नर भी राउंड कर देते हैं, ये देखिए ये। इसके बाद एक एक करके हमने ये सारे कॉर्नर जो है वो राउंड करके यहाँ से हमने ओके कर दिया, ये देखिए इस तरह से ये सारे कॉर्नर जो है वो राउंड होके अब आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमें करना क्या है कि एक इसमें होल क्रिएट करना है, काउंटर होल्ड होल है वो, तो वो हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, अब एक्सट्रूड कमांड पर हम जाते हैं यहाँ से, देखिए इस सरफेस पर इसको हमने एज अ प्लेन कंसिडर करते हुए सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ करना क्या है हमें, हमने पहले तो रेफरेंस पर क्लिक किया, ये देखिए ये आपको ये एज पर क्लिक करना है यहाँ से। तो ये आपको देखिए ये कंस्ट्रक्शन जैसे होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वैसे आपको सर्कल दिखाई देंगे। ये हम मदद के लिए आपकी क्रिएट करते हैं। देखिए हमें ये सेंटर फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान है, सेंटर अब हमें दिखाई दे रहा है रेफरेंसेस लेने के बाद। अब जो है यहाँ, ये देखिए ये सेंटर है, यहाँ पर मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ पहले से, और इसका जो डायमीटर है वो हमें लेना है कितना, 18 ले लिया। अब यहाँ पर जो है क्रियो पैरामेट्रिक में एक बहुत खास बात है, वो अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए जैसे मैंने सर्कल बनाया यहाँ पर, ये इसका जो साइज है मैं दे चुका हूँ, इसका डायमीटर 18, तो मैंने यहाँ पर दूसरा सर्कल बनाना है और सेम उसके बराबर बनाना है। तो देखिए जैसे ही वहाँ उस सर्कल के बराबर हुआ है सर्कल, यहाँ पर देखिए एक आइकन आ रहा है जिसमें इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, इक्वल का निशान। ये सिंबल जैसे ही यहाँ पर दिखता है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो हमने सर्कल बनाया था वो और ये सर्कल दोनों का डायमीटर सेम है यहाँ पर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इसकी डायमेंशन नहीं शो होगी, लेकिन ये सर्कल जो है इससे पहले वाले बने सर्कल के बराबर होगा। तो ऐसा ही इसमें भी है, देखिए जैसे ही मैंने सर्कल बनाने के लिए ये देखिए यहाँ पे भी इक्वल का सिंबल आ गया, वो यहीं क्लिक करके हमने छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर भी ये इक्वल का साइन आया, यहाँ पे भी हमने छोड़ दिया। तो हमें इन बाकी तीनों सर्कल्स का डायमेंशनिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अपने आप अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे मैंने ओके किया, देखिए चार सर्कल बने आपको दिखाई दे रहे हैं।
अब मैं यहां से ये ड्रैग करा के इसे पीछे ले जा रहा हूँ, इतना पीछे नहीं ले जाना देखिए कि जिससे ये होल हो जाए। हम क्या करते हैं, हमें मालूम है इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है 25, हम यहाँ से 25 ले गए और ये होल आपको यहाँ से नजर आएगा। 25 की जगह हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसे कर देते हैं 30, देखिए 30 किया, ये 30 ही है, इसकी थिकनेस 30 दी थी हमने, 25 जो है वो शायद ये यहाँ पर, हाँ ये वैल्यू जो थी रेडियस की थी, तो इसकी थिकनेस जो है 30 दी थी हमने, जैसे 30 दिया देखिए होल हमें आर पर नजर आने लगे। अब यहाँ से हम ओके पर क्लिक करें। अच्छा सेम यही प्रोसीजर जो है हमें यहाँ पर भी दोहराना होगा, तो दोस्तों हम उसे बना लेते हैं। इस बार मैंने इस सर्फेस को सेलेक्ट किया एक्सट्रूड करने के लिए, क्लिक किया यहाँ पर, फिर से रेफरेंस लिया, देखिए कोने वाली जो एज है इस पर क्लिक करेंगे हम, क्लोज, और एक एक करके हमने फिर वैसे ही पहले सर्कल की डायमेंशन हम कर देंगे। देखिए पहला सर्कल जो मैं बना रहा हूँ वो फिर से हम रेफरेंस ले देते हैं, पहले सर्कल, पहला सर्कल है सेंटर लिया, इस एस्केप की दबाया। अब देखिए इसको यहाँ पे मैं पहले से ही 18 कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से सर्कल पर क्लिक किया और ये देखिए एक एक करके जैसे जैसे इक्वल का मार्क आता जाए, वो सिंबल आता जाए, वैसे वैसे आप जो है कमांड से क्लिक करके बाहर निकलते जाए। ओके पर क्लिक किया, ये कितनी जल्दी काम होता है इस तरीके से। अब यहाँ से मैंने इसे ड्रैग कराया और अपोजिट डायरेक्शन में ले गया ये। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू देनी है कितनी, 30, 30 टाइप किया, एंटर प्रेस किया और इसके बाद ये डैशबोर्ड पर ओके पर क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ पर होल्स आपको दिखाई देगा। अब हमें इस पर बनाने हैं काउंटर बोर्ड, काउंटर बोर्ड बनाने के लिए फिर से मैं एक्सट्रूड पर गया और फिर से इसी सरफेस को लिया, स्केच व्यू पर गए। अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी रेफरेंस की, देखिए यहीं से डायरेक्ट जो है ये बन जाएगा। पहले सर्कल पर ये इसको हमें डायमीटर लेना है इसका 28। अच्छा अब यहाँ से बाकी सर्कल देखिए कैसे आराम से बन जाएंगे, इतनी इक्वल का मार्क आ गया, यहाँ से बाहर गए इतनी इक्वल आ गया, फिर ये देखिए क्लिक किया। पर देखिए ये दूसरा कोई कंस्ट्रेन नहीं पकड़ना चाहिए, यहाँ पे देखिए टेंजेंसी शो कर रहा है लेकिन नहीं हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। हमने यहाँ पर इक्वल पर क्लिक कर दिया, फिर एस्केप दबाया और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में देखिए हम जा रहे हैं, कितना लेकर जाना है 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 लेकर जाना है। ये यहाँ से रिमूव मटेरियल, ये देखिए अब आपको ये नजर आ रहा है, ये जो डेप्थ है ये 8 mm है, यहाँ से हमने ओके कर दिया, देखिए ये काउंटर बोर्ड भी इसमें बन गया। अब सेम यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमें इस वाले फेस पर भी ये काउंटर बोर्ड्स बनाने हैं। एक्सट्रूड पर क्लिक किया, इस वाले फेस पर क्लिक किया, स्केच व्यू पर क्लिक किया। अब इसके बाद हमने रेफरेंस लेने की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ एक सर्कल को हमने बनाया और इसकी डायमेंशनिंग कर दी। एस्केप दबा के मैं देखिए कमांड से बाहर निकल रहा हूँ, तो ये मुझे नजर आती है डायमेंशन। यहाँ से अब इसको मैंने देना 28, 28 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद बाकी सर्कल बनेंगे, देखिए इक्वल का साइन आ रहा है बार बार, हमें बार बार इसकी डायमेंशनिंग करने की जरूरत नहीं, तो ये इससे काम बहुत तेज हो जाता है। ये बहुत अच्छा फीचर है, ये आपको जनरली हर एक सॉफ्टवेयर में तो नहीं मिलने वाला, ये क्रियो पैरामेट्रिक में ही देखने को मिलता है कि अपने आप आपको जो है ये बताता है कि कंस्ट्रेन कहाँ पर है। अब 8 टाइप करके एंटर किया और यहाँ से ओके कर दिया, देखिए ये फ्लेंजेस में जो है ये फिटिंग के लिए आपका काउंटर बोर्ड होल बन गए। अब हमें एक ही इसमें काम बचा है कि अब हमें इसमें ये कॉर्नर जो है ये चैम्फर करना है। चैम्फर के लिए देखिए यहाँ पर ये है एज चैम्फर, मैंने एज चैम्फर यहाँ पर वैल्यू 25 दे रखी है, इसी को देखते हैं कितनी आती है। देखिए ये ऐसे आ रहा है, तो हमें ये नहीं लेना, यहाँ से हमने ले लिया 5, हाँ दैट इज मोर देन सफिशियंट, तो ये वैल्यू हमने 5 ले ली। और इसके बाद यही चैम्फर हमें इधर भी चाहिए, दोनों तरफ 5-5 mm का हमने चैम्फर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए ये है फाइनल शेप हमारी इस फ्लेंच्ड एल्बो। और अगर जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं बीच में ये ट्रेजिक्ट्री आपको नजर आ रही है, इसे हम हाइट भी कर सकते हैं। इस पे कर्व पे मैं गया, राइट क्लिक, ये देखिए ये देखिए इसको, ये कहाँ है इस पर हमने क्लिक किया, देखिए स्केच वन अपने आप हाईलाइट, स्केच वन पर गए राइट क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा आपके सामने हाइट का, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो हाइट का है।
बेसिस पर क्लिक किया, ये ट्रेजेक्ट्री भी जो है वहां से हट गई। अब इसे थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पहले तो ये सारे प्लेन्स, ये जो है ये आपका स्पिन सेक्टर है, ये तो पहले से ही ऑफ है इसमें। अब देखिए कितना सही नजर आ रहा है, यहाँ से देखने में कितना रियलिस्टिक लग रहा है। अच्छा अब इसमें हम क्या करते हैं, एजेस को ऑन कर देते हैं। ये देखिए ये है इसकी विजुअल स्टेट, ये शेडिंग विद रिफ्लेक्शंस था, अब ये शेडिंग विद एजेस है। एजेस को ऑन करेंगे तो ये हमें ऐसा नजर आएगा। अब इस तरीके से ये देखिए सॉलिडवर्क्स में बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है। एजेस को हमने ऑन कर दिया तो ये काफी रियलिस्टिक हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर हम इसका सेक्शन काट के देखना चाहें तो जैसे कि सॉलिडवर्क्स में कैसे सेक्शन काटते हैं मैंने आपको दिखाया है, एक बार इसमें भी आप देखें। यहाँ से हमने क्या किया कि पहले तो हमें ऑन करने पड़ेंगे प्लेन, इसके हमने प्लेन ऑन कर दिया। प्लेन ऑन करने के बाद हम व्यू पर गए, व्यू पर जाने के बाद देखिए सेक्शन पर क्लिक किया, प्लेनर पर क्लिक किया और इसके बाद ये सेक्शन प्लेन इसको ले लिया। ये देखिए यहाँ सेक्शन कट कर नजर आने लगा और यहाँ से इसके बाद सेक्शन हमने देख लिया, हम कैंसिल कर देते हैं नॉर्मल जैसे पहले तो उसी पोजिशन पर आ जाते, पोजिशन में आ जाते हैं। यहाँ से ये कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये था मॉडल फ्लेंच्ड एल्बो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस के आइकन, मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।